नेटो में फिनलैंड की सिर्फ एंट्री नहीं हुई है, दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 की घंटी बज गई है। डर यह है कि नेटो का 31वां मेंबर धरती पर आटमी बवंडर ना ले आए। रूस और फिनलैंड पुराने दुश्मन हैं। इतिहास में रूस और फिनलैंड के बीच कई तरह गदर हो चुके हैं, लेकिन नेटो के पाले में जाकर फिनलैंड ने दुनिया को वर्ल्ड वॉर 2 वाला टेरर याद दिला दिया है। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद विश्व व्यवस्था बहुत तेजी से बदल गई है। आज की इस रिसर्च रिपोर्ट में आपको बताएंगे कैसे ऐसे समीकरण बन रहे हैं जो रूस को यूएन से ही बाहर कर देंगे। विश्व युद्ध का विनाश होगा और फिर एक नई विश्व व्यवस्था बनेगी। देखिए वर्ल्ड वॉर 3 प्रचंड विश्व व्यवस्था खंड खंड। नेटो की सेना रूस के बॉर्डर तक आ गई तो 400 दिन की जंग का क्या मतलब रह गया? नेटो में नहीं था फिर भी यूक्रेन पर कहर टूटा। नेटो देश बनकर फिनलैंड युद्ध से कैसे बचेगा? पुतिन ने समझाया, ज़ेलेंस्की को समझ नहीं आया। अब फिनलैंड को किस भाषा में समझाएंगे पुतिन? कहर टूटा तो यूक्रेन के शहर कब्रिस्तान बन गए। फिनलैंड के शहरों को कैसे बचाएंगे बाइडेन? यूक्रेन का युद्ध विश्व युद्ध तक पहुंचेगा, ये खौफ सबका था, लेकिन उसकी शुरुआत ब्रसेल्स के नेटो मुख्यालय में हुए इस एक हैंडशेक से होगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। नेटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग ने फिनलैंड के विदेश मंत्री को वो कागज दिया जिस पर नेटो के 30 देशों के दस्तखत थे। इस कागज पर लिखा था कि रूस के साथ 1300 किलोमीटर के बॉर्डर वाला फिनलैंड अब नेटो का 31वां साथी है। ज़ेलेंस्की ने नेटो में शामिल होने की जिद की थी तो पुतिन ने बार बार ऐसा न करने के लिए समझाया था। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने की खबरें आने लगी तब पुतिन ने फिनलैंड को भी बिल्कुल वैसे ही समझाया, बार बार कहा कि रूस से उसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो नेटो के सदस्य नहीं बनते। लेकिन अब खतरा रूस के बॉर्डर पर भी है और फिनलैंड के बॉर्डर पर भी। खतरे की चेतावनी पुतिन ने दी वो खतरा रूस के बॉर्डर पर खड़ा हो गया है। रूस के सबसे बड़े दुश्मन, दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री अलायंस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो का नया मेंबर रूस के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। नेटो के हथियार अब बिल्कुल रूस के बॉर्डर पर खड़े होंगे। अमेरिका के एटम बम फिनलैंड में तैनात हो जाएंगे, इसलिए पुतिन बहुत गुस्से में है। दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है जिसकी मौजूदगी दुनिया भर में है। नेटो का सबसे बड़ा सदस्य 5,500 से ज्यादा एटम बम रखने वाला अमेरिका है और सबसे छोटा सदस्य 200 सैनिकों वाला आइसलैंड। लेकिन अब फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है। नेटो रूस के बॉर्डर तक पहुंच गया है, जंग का दायरा बढ़ गया है। फिनलैंड की नेटो में एंट्री ऐसे वक्त हुई है जब 2 दिन पहले ही फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन की पार्टी चुनाव हारी है। हालांकि वो भी नेटो मेंबर बनने के लिए काफी वक्त से मेहनत कर रही थी, लेकिन फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद दुनिया बदलने वाली है।
समीकरण बनने और टूटने वाले हैं। इतना बड़ा बदलाव होने वाला है कि यूनाइटेड नेशन तक टूट कर बिखर सकता है। दुनिया भयानक विश्व युद्ध की आग में जल सकती है, ये कल्पना नहीं है। इससे पहले बिल्कुल ऐसी एक घटना से दुनिया विश्व युद्ध की भयानक तबाही झेल चुकी है। इसे समझने से पहले आपको इतिहास में जाना होगा। पहले विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति समझौता हुआ। 10 जनवरी 1920 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ बनाया गया। 1935 तक दुनिया के 58 देश लीग ऑफ नेशंस का हिस्सा बन गए थे। लीग ऑफ नेशंस के सबसे ताकतवर देश का नाम था सोवियत रूस, लेकिन 1939 में फिनलैंड और रूस के बीच हुए विंटर वॉर ने दुनिया के सबसे बड़े मंच लीग ऑफ नेशंस के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो क्या अब फिनलैंड की वजह से नेटो और यूनाइटेड नेशंस भी बिल्कुल उसी तरह से टूटेंगे जिस तरह 81 साल पहले लीग ऑफ नेशंस के 58 देशों की दोस्ती टूटी थी? उन्नीस में रूस और फिनलैंड के तकरार ने लीग ऑफ नेशंस को खत्म कर दिया था। रूस ने फिनलैंड पर हमला किया और रूस को लीग ऑफ नेशंस से निकाल दिया गया था। इसके बाद दूसरी विश्व युद्ध की रूपरेखा बन गई। क्या अब इसी तरह तीसरा विश्व युद्ध छिड़ेगा? अस्सी साल पहले दुनिया तेजी से बदल रही थी। सोवियत संघ को हिटलर के खिलाफ जर्मनी पर हमला करना था, रास्ता फिनलैंड से होकर जाता था। रूस ने फिनलैंड से रास्ता मांगा, लेकिन फिनलैंड ने रूस से अपनी पुरानी रंजिश के चलते रास्ता देने से इनकार कर दिया। रूसी नेताओं ने फिनलैंड को बहुत समझाया, लेकिन फिनलैंड नहीं माना। इसके बाद रूस ने जर्मनी पर चढ़ाई करने की जगह फिनलैंड पर चढ़ाई कर दी थी। युद्ध की शुरुआत में रूस के पास करीब 1.25 लाख सैनिक थे, जिसे रूस ने बढ़ाकर 7,60,000 कर दिया था। वहीं फिनलैंड की आर्मी में सिर्फ 3,40,000 सैनिक थे। रूस के पास शुरू में 2,514 टैंक थे, जिसे बढ़ाकर 6,500 कर दिया गया था। वहीं फिनलैंड के पास महज 32 टैंक थे। रूस के पास 3,880 लड़ाकू एयरक्राफ्ट थे, जबकि फिनलैंड के पास केवल 114 जेट विमान थे। लेकिन फिनलैंड के पास करीब 1,80,000 आम लोगों की गुरिल्ला आर्मी थी, जो सोवियत रूस की भारी भरकम सेना पर भारी पड़ी थी। हल्के हथियार होने के बावजूद गुरिल्ला ट्रेनिंग पाए हुए फिनलैंड के आम लोग सोवियत आर्मी पर भारी पड़े थे। सोवियत सेना की तैयारी फिनलैंड की आर्मी से लड़ने की थी, लेकिन उसे फिनलैंड के आम लोगों से बनी गुरिल्ला ताकत का अंदाजा नहीं था। इस तरह फिनलैंड ने 3 महीने तक सोवियत संघ की रेड आर्मी से टक्कर ली। इसके बाद सोवियत संघ और फिनलैंड के बीच समझौता हुआ और युद्ध खत्म हो सका। लेकिन इस युद्ध की बहुत बड़ी कीमत सोवियत संघ और पूरी दुनिया को चुकानी पड़ी। सोवियत संघ को लीग ऑफ नेशंस से निकाल दिया गया। लीग ऑफ नेशंस में फूट पड़ गई और दुनिया में शांति का जिम्मा संभालने वाली संस्था टुकड़े टुकड़े हो गई। क्या एक बार फिर यही होने वाला है? में फिनलैंड और सोवियत संघ के बीच हुए इस युद्ध को विंटर वॉर के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में फिनलैंड के आम लोगों की गोरिल्ला सेना ने मिसाल कायम की थी, लेकिन फिनलैंड और सोवियत संघ के बीच दुश्मनी इससे भी पुरानी है। इतनी पुरानी कि इसे समझने के लिए दूसरे विश्व युद्ध का इतिहास नहीं बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जाना होगा।
1914 में पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फिनलैंड के युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग दी थी। उस वक्त फिनलैंड रूस के कब्जे में था और आजाद होने की कोशिशों में लगा हुआ था। जर्मनी ने फिनलैंड के विद्रोह को हवा दी और रूस के खिलाफ बगावत हो गई। पहले विश्व युद्ध में फंसा रूस फिनलैंड पर कब्जा कायम नहीं रख पाया और 6 दिसंबर 1918 को फिनलैंड रूस से आजाद हो गया। यानी रूस और फिनलैंड के बीच दुश्मनी पुरानी है। जर्मनी तब भी फिनलैंड के साथ था और नेटो देश के तौर पर आज भी फिनलैंड के साथ खड़ा है। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि 1939 में जब फिनलैंड और सोवियत संघ के बीच विंटर वॉर लड़ा गया, तब दुनिया के ताकतवर देशों को लीग ऑफ नेशंस कंट्रोल करता था और आज यूनाइटेड नेशंस। लेकिन फिनलैंड और रूस की जंग ने 58 देशों की लीग भंग करवा दी। अब नेटो देशों ने फिनलैंड को सदस्य देश होने की मान्यता देकर रूस को एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। रूस की सीमा के पास नेटो फोर्सेस तैनात होती हैं, तो ये एकदम तय है कि रूस और फिनलैंड की जंग यूएन को तुड़वाएगी और तीसरा विश्व युद्ध करवाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।